नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी के टॉप हवाई अड्डों की, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की, यूपी में उद्योग और स्टार्टअप की और अंत में बात करेंगे वर्ल्ड हेड इंजरी डे पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी में हवाई अड्डों के विकास के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास अब रंग दिखाने लगे हैं। आपको बता दें, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI नियमित अंतराल पर घरेलू उड़ान संचालित करने वाले देश के हवाई अड्डों का सर्वेक्षण करता है। इस बार वर्ष 2023 में जुलाई से दिसंबर के बीच हुए सर्वे में देश भर से कुल 56 हवाई अड्डे शामिल किए गए थे। इनमें से पहली बार यूपी के 4 एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सूचकांक के आधार पर टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहे। पिछले वर्ष 2023 में जनवरी से जून तक के सर्वे में केवल यूपी का आगरा एयरपोर्ट ही टॉप 10 में शामिल हो सका था। इस बार 4.99 अंक के साथ गोरखपुर एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर, 4.91 अंक के साथ बरेली एयरपोर्ट आठवें स्थान पर, 4.90 अंक के साथ चकेरी कानपुर एयरपोर्ट नौवें स्थान पर एवं 4.89 अंक के साथ प्रयागराज एयरपोर्ट दसवें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई कृषि सेवा Grade 3 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2384 अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। आयोग इन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वैध स्कोर की अनिवार्यता और आयु सीमा में छूट देते हुए प्रावधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश देगा। उत्तर प्रदेश में 20 मार्च यानी आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए बुधवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच किया जा सका। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर व पीलीभीत शामिल है। इन सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के लिए एक जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। दरअसल राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार का वादा करने की प्रथा के खिलाफ एक जनहित याचिका दी गई है। बता दें, 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को यानी आज कहा कि ये जरूरी है और हम इस मामले पर कल सुनवाई जारी रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार यानी आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता ने दाखिल की थी। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने वाले, प्लीज पार्क बनाने वाले उद्यमियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए इन्हें प्राधिकरण को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं देना होगा। आवास विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च को आदेश जारी कर दिया है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्टार्टअप्स के लिए युवाओं को कम निवेश करना होगा। मार्च से अगस्त के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं को गर्मी नहीं सताएगी, पांव भी नहीं चलेंगे। इसके इंतजाम होली के बाद किए जाएंगे। मंदिर परिसर के बाहरी और आंतरिक हिस्से में अस्थाई जर्मन हैंगर लगाए जाएंगे। इससे धूप नहीं लगेगी। RO और वाटर कूलर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बार गंगा द्वार तक पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। संगम नगरी से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं व आम यात्रियों के लिए रेलवे ने उधमपुर विशेष ट्रेन की नई समय सारणी जारी की है। सुबेदारगंज से उधमपुर रेलवे स्टेशन कैप्टन तुषार के लिए विशेष सुपरफास्ट ट्रेन प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वापसी में ये उधमपुर से प्रत्येक मंगलवार को प्रयागराज आएगी। पूर्व में इस ट्रेन को 1 अप्रैल तक ही चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन यात्रियों की ट्रेन में भीड़ और मांग को देखते हुए अब इसकी समय सीमा को विस्तारित कर दिया गया है। अब इस ट्रेन का संचालन 29 अप्रैल तक होगा। IIT कानपुर ने भी देश का पहला रोबोट डॉग तैयार किया है, जो पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी के लिए बेहद मददगार साबित होगा। कानपुर की इंक्यूबेटर कंपनी एक्स्ट्रा रोबोटिक ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैश रोबोट डॉग तैयार किया है, जो दिखने में एक कुत्ते की तरीके का है।
और ये इंसानी दिमाग से भी तेज काम करता है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको तैयार किया गया है, जहां पर कोई खुफिया जानकारी निकालनी हो, जहां पर आसानी से इंसान ना पहुंच सके, वहां के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में पुलिस की मदद करने का भी ये काम करेगा। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में बुधवार यानी आज वॉकथॉन का आयोजन हुआ। इसमें SGPGI के निदेशक भी पहुंचे और उन्होंने रोड एक्सीडेंट के दौरान में सिर की चोट को रोकने के लिए हेलमेट पहनने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा, बच्चों को बचपन से ही यातायात नियमों का पालन करना सिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें, हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में वर्ल्ड हेड इंजरी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ताकि सिर या मस्तिष्क के चोट से होने वाले गंभीर खतरों, पीड़ित के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और सावधानियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। तो आज के यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।